but the topic. Let's start. It's another segment. Yes. So after IPO and after IPO, its functions of capital market. Capital market functions why for a broader perspective, capital market is viewed as a market of financial assets with long or infinite maturity. It actually plays a very important role in mobilizing resources and allocating them to productive channels. Agar hum se broader perspective se samjhe, to capital market ko is tarah se dekha jata hai. Ek aisi market jiske sahi financial assets jo ek long term mani jati hai aur ek infinite maturity ke saath. Iska maturity period aap jitna marzi lengthen karte jaye. जैसे कि आप लोग सेविंग्स करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी आप आगे बढ़ाते जाते हैं, ऑटो रिन्यूअल में आते जाते हैं, तो जिस चीज की मैच्योरिटी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप उसको इनफिनिट लेके जा सकते हैं. ऐसे ही जब आपके फाइनेंशियल एसेट्स को कैपिटल मार्केट में यूज किया जाता है और उनकी जो मैच्योरिटी है वो एक इनफिनिट लेवल पे होती है. Basically, apart from your job and profession, apart from your occupation and business, capital market is a platform from where you can earn additional income. But उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने skills use करना होता है, अपना mind sharp रखना होता है regarding company's existence and its expectations. In which company you are going to invest? उसके लिए आपको अपना नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. अदरवाइज इट गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. तो इसमें है इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड एलोकेटिंग देम टू प्रोडक्टिव चैनल्स. कंपनी के जो से रिसोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम द मनी अपार्ट फ्रॉम इट्स मोनेटाइज्ड टर्म्स Company's assets, company's other things can be used as an investment part so that company can earn more. Because we are just talking about their financial assets. So it can be said that the process of economic growth of a country is facilitated by capital markets. Each company ki jo economic growth hai, wo kisme based.
बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री की बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए इट्स हेल्पफुल. मैम स्पीक क्लियरली. निशान, हम यहाँ से क्लियरली ही बोल रहे हैं. द थिंग इज ड्यू टू वेदर मे बी आपको वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा हो, लेकिन आपका जो ये लेक्चर है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसका लिंक आपको YouTube पे मिल जाएगा. आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आज का वीडियो आप उसमें देख सकते हैं. अगर मेरे को आपकी आवाज, आप एक काम करें, मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूँ. उनका जो शेयर्स का डिविडेंड है, ये जो रिटर्न है, उनको
ज्यादा मिलेगा। तो इसी तरह से अगर कंपनी की इनकम से ग्रोथ रुक गई, वो प्रॉफिट में नहीं है, तो शेयर उसको डिविडेंड जो है वो कम मिल रहा है, पैसा कम आ रहा है। तो इस तरह से आपको उन रिस्क के साथ भी अवेयर रहना पड़ता है। तो कैपिटल मार्केट जैसे लैंड एंड गोल्ड, ये प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्ट द मनी। इसके बाद हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं अवेलेबल? Gracias.